हेलो फ्रेंड्स, एज आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, हमारा अगला वीडियो भी एबल से रिलेटेड होने जा रहा है। एबल से रिलेटेड वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन उन वर्ड्स के, इससे रिलेटेड होने जा रहा है। आज की क्लास में हम आगे चल करके IBLE से एंड होने वाले वर्ड्स की वोकैबुलरी और उनके प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे। मजे की बात यह है कि ABLE का प्रोनाउंसिएशन ना तो एबल होता है ना ही IBLE का प्रोनाउंसिएशन इबल होता है ना, फनी लैंग्वेज। तो चलते हैं और इन एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि ABLE जिस तरीके से अबल में एंड होता है, उसी तरीके से IBLE के प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से एंड होते हैं। इन तीनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन क्या एक मिनट के लिए आप सोच सकते हैं? चलिए, मैं आपका दोस्त नीरज आपकी हेल्प करूंगा IBLE से एंड होने वाले वर्ड्स के प्रोनंसिएशन में, और हम इनकी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास IBLE से एंड होने वाले वर्ड्स में। मैंने आपके लिए 21 ऐसे वर्ड्स चूज किए हैं जो IBLE से एंड होने वाले वर्ड्स में आपकी काफी हेल्प करेंगे, इनके वोकैबुलरी भी स्ट्रांग करेंगे और इनके प्रोनंसिएशन को भी करेक्ट करेंगे, ताकि और जितने भी वर्ड्स आपके सामने आए IBLE एज अ सफिक्स वाले वर्ड्स में, उनके प्रोनंसिएशन आप करेक्ट कर सकें। तो चलते हैं और शुरू करते हैं हमारे पहले वर्ड से। पहला वर्ड है विजिबल, बहुत ही कॉमन वर्ड है, जो दिख सकता है, दैट कैन बी समथिंग दैट कैन बी सीन इज विजिबल। ओके, सो द प्रोनंसिएशन इज विजिबल। फिर से बोल रहा हूं, विजिबल, विजिबल, विजिबल। जैसा ही अगला वर्ड है ऑडिबल, 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 जो सुना जा सके, दैट कैन बी हर्ड, दैट कैन बी इजिली हर्ड और लिसन्ड टू, ऑडिबल। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हम जब फोन पे बात करते हैं तो इस तरीके की लैंग्वेज हम जरूर यूज करते हैं कि योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, इट्स क्रैकिंग, नेटवर्क कैपेसिटी नहीं है, ये सब, बट उसमें एक ऑडिबल का फैक्टर जरूर आता है। ओके, बट द प्रोनंसिएशन एंड द वर्ड इज ऑडिबल, ऑडिबल। पॉसिबल, जो घटित हो सके या हैपन हो सके, समथिंग दैट कैन हैपन और दैट इज पॉसिबल। सो पॉसिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन हैपन, जिसके हैपन होने में यानी घटित होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल रेन टूडे, तो वहां पर क्या है, पॉसिबिलिटी, इट्स पॉसिबल दैट इट्स इट मे रेन टूडे, इट्स पॉसिबल। टेरेबल, टेरेबल यानी बहुत ही भयानक या बहुत बुरा और वेरी अनप्लेजेंट। तो इसका यूसेज क्या होता है कि माय वीडियोस और नीरज वीडियोस आर टेरेबल, नोबडी कैन अंडरस्टैंड देम। टेरेबल के ही सिनोनिम जैसा एक वर्ड है हॉरिबल, हॉरिबल यानी जिस तरीके से टेरेबल बहुत बुरा है या भयानक होता है, हॉरिबल डरावने की कैटेगरी में आ जाता है, डरावना, जिससे आपको देख करके यू फील फ्राइटेंड, आप डर जाएं जिस चीज को देख करके। कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है जो बहुत ही प्लेजेंट ना हो, इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस एट द होटल, यानी जिस भी होटल में हम गए वहां पे बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस था। गलबल, वोकैबुलरी को बहुत वेटेज देने वाला वर्ड है, आमतौर पर हम इस तरीके के वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। गलबल यानी भोला भाला, वन हु कैन इजिली बी ट्रिक्ड। सो नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं कि बहुत ही भोला सा है, इसके साथ तो कोई भी कैसे भी बात करके, मजाक करके या उसके साथ धोखा करके चला जाता है, इसको पता भी नहीं चलता। बट व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश, अगर हम इस तरीके का वर्ड यूज करें, ही इज सो गलबल दैट एनी वन कैन ट्रिक हिम, अच्छा लगेगा। डिवाइसेबल, डिवाइसेबल यानी वन दैट कैन बी डिवाइडेड, यानी जो डिवाइड किया जा सके, यानी विभाजित किया जा सके, विभाज्य,
अगेन एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड देने जा रहा हूं, प्लॉजिबल। प्लॉजिबल यानी तर्कसंगत, रीजनेबल। यानी आप जब भी कोई बात करें तो इस वर्ड को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि द आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट प्लॉजिबल। यानी प्लॉजिबल नहीं है, दो पार्टीज, दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है वो तर्कसंगत नहीं होता है, इज नॉट प्लॉजिबल। अगेन एक और बढ़िया वर्ड, इनडेलेबल। इनडेलेबल, इनडेलेबल का मतलब होता है अमिट। बहुत आराम से यूज किया करते हैं ना ये वर्ड, अमिट, अमिट छाप छोड़ जाना। दैट समथिंग दैट कैन नॉट इजिली बी रिमूव्ड और वॉश्ड आउट। सेंटेंस में जब हम इसको यूज करते हैं तो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, द इंप्रेशन ऑफ भगत सिंह्स व्यूज ओवर रेवोल्यूशन एंड फ्रीडम आर इनडेलेबल। यानी भगत सिंह के जो भी व्यूज थे रेवोल्यूशन यानी क्रांति और फ्रीडम यानी आजादी को लेकर के, उनको वॉश आउट नहीं किया जा सकता। किसी की भद्दी सी हैंडराइटिंग देखते हैं, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी है, उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, इलेजिबल। इलेजिबल यानी समथिंग दैट कैन नॉट बी रेड, यानी जो पढ़ा ना जा सके। जिस राइटिंग को पढ़ना पॉसिबल ना हो वो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि राइटिंग बहुत ही गंदी है और इतना गलत तरीके से, इतना गंदे तरीके से लिखा हुआ है कि उसको पढ़ नहीं सकते। इन अ सेंटेंस इट कैन बी यूज्ड एज माय हैंड राइटिंग इज इलेजिबल, मेरी हैंड राइटिंग ना पढ़ने लायक है, पढ़ी नहीं जा सकती है, इलेजिबल है। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल या असेसिबल दोनों ही गलत प्रोनाउंसिएशन है, बहुत यूज होते हैं। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अक्सेसिबल। अक्सेसिबल यानी जहां पहुंचना या जहां एंटर करना या जिस जगह पे पहुंच पाना पॉसिबल हो, यानी जो जगह या जो चीज अक्सेसिबल हो, आपकी पहुंच में हो, जिस जो चीज आपकी पहुंच से बाहर ना हो एकदम। तो अक्सेसिबल का मतलब हो गया जैसे कि कोई प्लेस है, दैट ले इज इजिली अक्सेसिबल फ्रॉम लद्दाख। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जिस चीज के ऊपर विश्वास ना किया जा सके, बहुत ही शानदार से भी ऊपर की क्वालिटी की कोई चीज आपने देख ली हो, दैट इज इनक्रेडिबल। आप ऐसा एडजेक्टिव उस चीज को असाइन कर सकते हैं, हर ब्यूटी इज इनक्रेडिबल। इनविंसिबल, इनविंसिबल यानी वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इन द वर्ल्ड कप ऑफ 2003 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम वॉज टोटली इनविंसिबल। यानी 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा सकना पॉसिबल ही नहीं था। ऐसी शर्ट्स, टी शर्ट्स, जैकेट्स वगैरह आपने जरूर देखे होंगे जिनको उल्टा सीधा करके पहन लो, दोनों साइड से पहने जा सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी जिसको फ्लिप करके अंदर की साइड से भी पहना जा सके और बाहर की साइड से भी पहना जा सके, दोनों साइड से जो पहनने लायक हो वैसे कपड़े। माई जैकेट इज रिवर्सिबल। रिस्पॉन्सिबल, कोई भी काम के लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार होता है या किसी भी चीज के उस चीज या उस काम को गलत होने पर उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वो होता है रिस्पॉन्सिबल। सो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ द गेस्ट। कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल का मतलब होता है जिसकी फॉर्म, जो भी कोई चीज होती है उसकी फॉर्म को चेंज किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके। जनरली ये टर्म कार्स के लिए या स्पेशली लग्जरी कार्स के लिए यूज होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव अ BMW कन्वर्टेबल, मेरे पास एक BMW कन्वर्टेबल कार है। कंटेम्प्टेबल, कंटेम्प्टेबल यानी निंदनीय, जो कंटेम्प्ट के योग्य हो, जिसको कोई भी काम हो या कोई इंसान हो, उसने जो कुछ भी किया हो उसमें वो बहुत ही भद्दा सा या गंदा सा काम हो जिसके लिए आप उसकी निंदा कर सकते हो, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो कंटेम्प्टेबल। कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है या इसका यूसेज जो होता है वो है रेप इज अ कंटेम्प्टेबल एक्ट। रेप एक बहुत ही निंदनीय एक्ट है।
इररेजिस्टिबल, इतना अट्रैक्टिव या पावरफुल कि जिसको पाने की चाहत रोक पाना मुश्किल हो, बहुत ही मुश्किल हो, वो होता है इररेजिस्टिबल। जॉन अब्राहम इज सो हैंडसम दैट ही इज ऑलमोस्ट इररेजिस्टिबल। कंटेम्प्टेबल जैसा ही एक वर्ड होता है रेप्रिहेंसिबल। रेप्रिहेंसिबल यानी जो मोरली ठीक नहीं हो और इस वजह से उसको क्रिटिसाइज किया जा सके। जैसे रिसेंटली नेपटिज्म के ऊपर इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड कमिट किया है उसके ऊपर काफी सारी इंक्वायरी चल रही है, तो वो जो नेपटिज्म है दैट नेपटिज्म इज रेप्रिहेंसिबल। कोई चीज, कोई टेक्स्ट, कुछ भी अगर इजी टू अंडरस्टैंड हो वो होता है कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जिस चीज को आसानी से समझा जा सके। द लैंग्वेज ऑफ दिस मूवी इज ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल। इनडेस्ट्रक्टिबल, इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है जिसको ईजिली डैमेज या क्षतिग्रस्त ना किया जा सके। द न्यू टैंक दैट आर्मी हैज गॉट इज इनडेस्ट्रक्टिबल बाय द मिसाइल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से आपको IBLE यानी अबल से एंड होने वाले वर्ड्स की प्रोनंसिएशन को समझने में बहुत हेल्प मिली होगी, और इसमें काफी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रांग करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और आगे आने वाले वीडियोज के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर। Keep watching, keep enhancing your knowledge. Thank you.